हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। देखिए, आज का सेशन लास्ट सेशन है ज्योग्राफी का, और आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अध्याय 23 पहला प्रश्न है, पाक जलमड्डू मध तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश जो है भारत से अलग होता है। पाक जलमड्डू मध तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। पाक जलमड्डू मध जो है, पाक जो स्ट्रेट है, तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमड्डू मध बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई लगभग 53 से 80 किलोमीटर है। इसमें कई नदियां विसर्जित होती हैं, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। सेकेंड प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, और इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां स्थित है? ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है अंडमान द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप, यह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। इसका निर्माण जो है लावा शंकु और राख के ढेर से हुआ है। यह द्वीप भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला में स्थित है। थर्ड प्रश्न है, रायसीना पहाड़ी कहां स्थित है? रायसीना पहाड़ी कहां स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। रायसीना पहाड़ी जो है कहां स्थित है? जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, याद रखिएगा, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वही आपका रायसीना पहाड़ी है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तर पूर्व में दिल्ली तक जो है विस्तृत है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो है, डेकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? बताइए, डेकन पास जो है निम्नलिखित में से बताइए किसके मध्य स्थित है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, डेकन पास जो है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किसके मध्य जो है स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य, दक्षिणी और जो लिटिल अंडमान है इसके मध्य जो है स्थित है। ठीक है, डेकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित एक वाटर ट्रीटी है, जल संधि है, जो हिंद महासागर में स्थित है। यह ग्रेट अंडमान का भाग है। प्रश्न संख्या 5, केरल की शांत घाटी के संबंध में कथन की पहचान कीजिए। जो केरल की शांत घाटी है, ठीक है, साइलेंट वैली जो है, इसके संबंध में कुछ कथन है आपको पहचान करना है। तो देखिए, पहला कथन है, भारत में एकमात्र ये सदाबहार वन है, क्या यह सही है? बताइए, पहचान कीजिए। दूसरा है, महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ है। तीसरा है, पर्यटन के लिए यह अच्छा स्थान है। और डी ऑप्शन है, जहां पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल की शांत घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। यह सदा हरित जो है कटिबंधीय, ठीक है, सदा हरित कटिबंधीय वन क्षेत्र है, जो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। और वर्ष 1973 में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली को रिजर्व क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की हृदय स्थली है, याद रखिएगा। 6 नंबर है, नल्ला मल्ला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न अब जो है पूछा जा चुका है। नल्ला मल्ला पहाड़ियां जो है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा, चित्तूर जिलों में विस्तृत है। तेलंगाना के महबूब नगर,
नलगोंडा, ठीक है, जो तेलंगाना है, तेलंगाना के महबूब नगर नलगोंडा जिलों में भी इसका विस्तार है। नलामल्ला पहाड़ियां पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। 7 नंबर, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, चीन और म्यांमार। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश असम और नागालैंड के साथ भी सीमाएं साझा करता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से वह लाइन या वह रेखा कौन सी है जो भारत और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्नलिखित में से वह लाइन यानी रेखा कौन सी है, वह लाइन कौन सी है या रेखा कौन सी है जो भारत और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसको बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है और यह प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, जो है प्रीवियस कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन है, जो खींचा गया है, वह है आपका डुरंड लाइन। क्या है? डुरंड लाइन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है, जिसे 1896 ईस्वी में एक समझौता के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। 1896, समय याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के अनेक नाम यानी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी और कार्डेमम। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। अत्यधिक जैव विविधता होने के कारण यूनेस्को ने इसे जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो ज्वार नद मुख बनाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है और पश्चिम की ओर जो है नर्मदा के लगभग समानांतर एक द्रोणी बेसिन में 724 किलोमीटर तक बहती हुई खंभात के खाड़ी में ये गिरती है। यह नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेबनाथ झील, ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी झील जो है नाम है वेबनाथ झील, जो एक लैगून झील का उदाहरण है। यहां पर जो है कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुनमद्दा झील भी कहा जाता है। वेबनाथ झील केरल राज्य में अवस्थित है। 12 नंबर, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल कहाँ है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम स्थल है, बताइए वो कौन सा स्थल है? कहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां एक साथ मिलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है, जहां से दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कहां पर? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है, जहां पर जो है दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से 24 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। 13 नंबर है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, बताइए? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से।
कहां से? सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वतमाला से, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील से निकलती है। यह पश्चिमी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न संख्या 14, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। भारत के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी के मुहाने पर सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, यह नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, जो खंभात के खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 15, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, चीन, भारत, देखिए चीन में सांगपो, भारत में दिहांग ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के रूप में इसे जाना जाता है। तो प्रवाहित होने के बाद, यानी भूटान, चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है, भारत में और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ नदियां और दूसरे तरफ नगर, तो कौन से नगर किस नदी से संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए, जो लखनऊ है, जो लखनऊ है, यहाँ पे लखनऊ देखिए 4 है, तो याद रखिएगा गोमती का जो संबंध है वो किससे है, वो है आपका लखनऊ से, गोमती का संबंध लखनऊ से है। इसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी का जो संबंध है वो किससे है, तो ब्रह्मपुत्र से है। इसके बाद है गोदावरी, गोदावरी का जो संबंध है बताइए, गोदावरी जो है राजमुंद्री, और इसके बाद कावेरी का जो संबंध है वो है तिरुचिरापल्ली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गोमती इसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र का संबंध गुवाहाटी, गोदावरी के किनारे राजमुंद्री और कावेरी के किनारे जो है तिरुचिरापल्ली नगर जो है अवस्थित है। गोमती जो है इसका नदियों का जो उद्गम स्थल है फुलहर झील है, ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर है, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर है और कावेरी का ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो नदियों का जो उद्गम स्थल है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 17 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर और लंबाई 520 मीटर है। 18 नंबर, सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, एक तरफ परियोजनाएं दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब है, चलिए पहले इसको मिलान करते हैं। तो देखिए, जो हीराकुंड परियोजना है इसका संबंध किस राज्य से है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। हल्दिया रिफाइनरी इसका संबंध पश्चिम बंगाल। देखिए, इसके बाद तारापुर परमाणु केंद्र का जो संबंध है वो है आपका कर्नाटक, और कुद्रेमुख पहाड़िया जो है इसका संबंध जो है वो है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिविजन कर लेते हैं, हीराकुंड परियोजना का संबंध उड़ीसा से है, हल्दिया रिफाइनरी का संबंध पश्चिम बंगाल से है, तारापुर परमाणु का संबंध महाराष्ट्र से है, कुद्रेमुख का संबंध कर्नाटक से है। प्रश्न संख्या 19, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य
गोवा है, इसका एरिया याद रखिएगा 3702 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य जो है वो है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली और दमन दीव व दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान आता है। 21 नंबर, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? बताइए, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में रहती है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका सिक्किम, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है आपको मालूम है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गोवा। याद रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 22 नंबर, रेड क्लिफ लाइन जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो रेड क्लिफ लाइन है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा जो है यह रेखा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? सर सिरिल रेड क्लिफ। इसके बाद है 23, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो गल्फ महासागरीय धारा, ऑप्शन बी। भारत की जलवायु पर गल्फ महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मानसून, भूमध्य रेखा की स्थिति तथा हिंद महासागर की अवस्थिति का प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध की जो धाराएं हैं अपनी बाई ओर प्रवाहित होती है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल चक्र है जिसमें मई जून में धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल चक्र है जिसमें मई जून में धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा खरीफ। कब? तो खरीफ के मौसम में। खरीफ के समय जो है ज्वार वर्षा ऋतु में, देखिए वर्षा ऋतु में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें जो है उगाई जाती हैं, और इसे खरीफ की फसल भी कहते हैं, जो जून जुलाई में बुआई के बाद सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी कटाई की जाती है, और इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया की कृषि होती है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है। प्रश्नानुसार अगर बात करें तो वनों के प्रतिशत क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, इसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश और इसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 26, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देशों में वानस्पतिक संसाधनों और आर्थिक गुणवत्ता वाले पौधों की पहचान करता है। 27 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी।
मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर बात करें तो याद रखिएगा 77,492.60 वर्ग किलोमीटर या 25.14% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का कुल वन और कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो भारत का कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। 28 नंबर है, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। मानसून प्रस्फुटन से तात्पर्य गरज के साथ होने वाली घनघोर वर्षा से है, जो जून के महीने में केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तटों पर होती है। यह वर्षा लगातार कई दिनों तक होती है। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का प्रस्फुटन होता है। 29 नंबर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है, ठीक है, जिसका आरंभ 1970 के दशक में हुआ था। 2020-21 में भारत में दुग्ध उत्पादन 209.96 मिलियन टन प्रतिदिन है, जबकि प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 427 ग्राम है। याद रखिएगा सारे डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है, बताइए। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या है, किस प्रकार की किस्म है? सबसे ज्यादा भारत में किस प्रकार की या किस किस्म की कॉफी जो है उगाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन सी, अरेबिका किस्म की भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का जो है उत्पादन किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म अरेबिका है। भारत में कहवा यानी कॉफी की दो प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, पहला अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक भारत में कॉफी उत्पादन के मामले में कर्नाटक 53%, केरल 28%, ठीक है, प्रथम और द्वितीय स्थान पे है। तो कर्नाटक पहले स्थान पे है, इसके बाद केरल का स्थान आता है, आपको ध्यान में रखना है। 31 है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो समान तापमान और समान वर्षा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए गेहूं यानी व्हीट शीत और आर्द्र जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और फसल पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। 32, काटो और जलाओ कृषि किस नाम से जाना जाता है? काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है किस कृषि को, या काटो और जलाओ कृषि किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानांतरित कृषि को। देखिए स्थानांतरित कृषि में वनों को जलाकर भूमि को साफ करके 2-3 वर्षों तक जो है वहां पे फसलें उगाई जाती हैं, और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो भूमि को खाली परती छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि भी इसे कहते हैं। 33, हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में क्या सन्निहित है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, हरित खेती में जो सन्निहित है वह है आपका समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में हरित खेती शब्द विशेष रूप से चीन के द्वारा उपयोग में लाया गया है। भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया है, किसने? डॉक्टर स्वामीनाथन। 34 नंबर है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, खेतड़ी का जो संबंध है वो है तांबा। तांबा के लिए खेतड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। 35 नंबर, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? वह आपका केरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोरियम की प्राप्ति मोनाजाइट बालू के निक्षेपों से होती है। थोरियम केरल के समुद्री तटीय जो रेत हैं, यहाँ पे इन रेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केरल के समुद्र तट के जो रेत हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है। थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मैग्नेटाइट सेलों में मिलने वाला मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैथेनस आदि का सम्मिश्रण है। 36, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वो किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण यानी गोल्ड के लिए, सोना के लिए। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला सोना के लिए यानी स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। यह आंध्र प्रदेश के रायजियारा क्षेत्र में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से भी सोने का जो है खनन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य की कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्त होता है। कोलार और हट्टी की खानों से। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जो है जर्मनी या जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? वह है आपका राउरकेला। राउरकेला जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित हुआ था। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम स्टील प्लांट और एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र है। 38, कोयले के संचित भंडार के दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? बताइए। 38, कोयले के संचित भंडार के दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से जो सही अवरोही क्रम है वो क्या है? सही अवरोही क्रम आपको बताना है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कोयला मंत्रालय के वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो कोयले के संचित भंडार का जो क्रमशः जो सीरीज है आपको ध्यान में रखना है, जो क्रम है, झारखंड, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके बाद पश्चिम बंगाल, क्रम याद रखिएगा। 39 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें, कैसे सुमेलित करना है? तो चलिए सुमेलित करते हैं। देखिए, इसको सुमेलित करना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली का मतलब कि जो सही मिलान होगा वो किससे होगा? तो तिरुचिरापल्ली का हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग से, हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग से। विशाखापत्तनम का जो संबंध है जहाज निर्माण से है। और आवड़ी, आवड़ी का जो संबंध है वो किससे है? तो टैंक फैक्ट्री से। और चितरंजन लोकोमोटिव, यानी इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। तो दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं, याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली का संबंध हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग से है। विशाखापत्तनम में जहाज का निर्माण होता है, आवड़ी में टैंक फैक्ट्री है और चितरंजन लोकोमोटिव के लिए विख्यात है। 40 नंबर है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? चार ऑप्शन है, देखकर बताइए कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो याद रखिएगा, लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जीवों और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तेल आदि आते हैं। लकड़ी जो है एक ठोस जैव ईंधन है। 41, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो सही जवाब है राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान में
पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.12% है। यहाँ पर महिला साक्षरता का अंतराल सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.10% है। यह दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है और प्रथम स्थान बिहार का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 42 में पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है गोंड। गोंड जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है नाम है भील, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। संथाल झारखंड में पाए जाते हैं, जबकि थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है। 43 सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघों का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व राजस्थान में अवस्थित हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 44 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ यानी सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र है और सूची 2 में राज्य है, राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए जो बादाम पहाड़ी है, बादाम पहाड़ी का जो संबंध है वह है बताइए किससे, आपका उड़ीसा से। इसके बाद डली राजहारा का जो संबंध है वो किससे है, डली राजहारा का संबंध छत्तीसगढ़ से है। और कुद्रेमुख का जो संबंध है वो कर्नाटक से है। और नोआ मुंडी का जो संबंध है वो है आपका झारखंड। ठीक है, दोबारा से इसको रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए जो बादाम पहाड़ी है लौह अयस्क क्षेत्र है, बादाम पहाड़ी, और इसका संबंध उड़ीसा से है। डली राजहारा लौह अयस्क क्षेत्र जो है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र कर्नाटक, और नोआ मुंडी जो लौह अयस्क क्षेत्र है इसका संबंध झारखंड से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 45 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको यहां भी मिलान करना है। एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी और दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है, कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी जो है कहां पर अवस्थित है आपको बताना है। तो देखिए बालको जो है, बालको ये कहां पर स्थित है तो कोरबा में, बालको। हिंडालको कहां पर स्थित है तो रेणुकूट। इंडियन एल्यूमिनियम कहां पर अवस्थित है तो हीराकुंड में। और नेशनल एल्यूमिनियम जो है ये कहां पर अवस्थित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए कहां पर, इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन करा देता हूं। देखिए जो बालको है इसका संबंध कोरबा से है, बालको का संबंध कोरबा से है। हिंडालको का जो संबंध है, हिंडालको कहां पर है तो रेणुकूट। इंडियन एल्यूमिनियम का संबंध हीराकुंड से है और नेशनल एल्यूमिनियम का संबंध कहां से है तो कोरापुट से है, तो याद रखिएगा। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है 11 जनवरी 1969 को कोरबा में की गई थी। हिंडालको कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट यानी सोनभद्र में स्थापित किया गया था। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की दो एल्यूमिनियम इकाइयां, पहली हीराकुंड उड़ीसा में और दूसरी जो इकाइयां हैं नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोरापुट उड़ीसा में स्थापित है, इसको ध्यान में रखिएगा। 46 है सूची 1 सूची 2 जो है यह भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं 46 में। तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री जो है इसका संबंध बताइए, रेल कोच फैक्ट्री का संबंध कपूरथला से है, कपूरथला। व्हील एंड एक्सेल इसका संबंध किससे है तो बंगलुरु से है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है इसका संबंध किससे है, डीजल लोकोमोटिव का संबंध है वाराणसी से। और आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इसका संबंध पेरामबूर से है, और इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, रेल कोच फैक्ट्री का संबंध कपूरथला, व्हील एंड एक्सेल का संबंध बंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स का संबंध वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का संबंध पेरामबूर से है। और इसी के साथ
हमारा ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर वाइज जो है बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन को समाप्त किया है, फिनिक्स हो गया। और जो है नेक्स्ट बार हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हिस्ट्री को जो है मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में ही। तो आप लोग जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं कहूंगा कि आप लोग जो है इसे 2 से 3 बार इस पूरी बुक को अच्छे से रिवाइज करिएगा। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, तो आप जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।